सोचा नहीं था कि हमारा ऐसा नुकसान होगा। आजकल यहाँ सड़कों पे अच्छे से काम किया जा रहा है, चुनाव नजदीक है ना, तो गांव वाले बल वोट नहीं देंगे बल। और गांव के सबसे ऊपर जंगल के पास में ही कई लोगों के घर हैं, गौशालाएं हैं, और उस पहाड़ पे भी हमें चढ़ने को जाना है एक बारी। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, आसमान पे हल्के हल्के से बादल भी लगे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो चलो जी, काम वाले भाई भी लगे हुए हैं काम करने पे। बाकी आज भी यहाँ पे ईंटों की चिनाई का काम जारी रहेगा। कल फ्रंट और उधर साइड की दीवार की चिनाई करी, आज शायद या तो बीच की या फिर बैक साइड की वॉल की चिनाई करेंगे। मुझे अभी ना माँ को पुराने वाले घर तक छोड़ने के लिए भी जाना है। पापा जी की सुबह स्कूल लगी है तो मुझे ही माँ को छोड़ने के लिए पुराने घर तक जाना पड़ता है। ये तो अब आजकल डेली का काम मेरा यही है। बाकी हमने यहाँ इस पेड़ पे ना पीवीसी पाइप रखे थे लेकिन उन पे ना कोई भी पक्षी नहीं आए। तो ये अपना मंथुरा मार्केट, थोड़ी बहुत गाड़ियां तो अभी हैं लेकिन अगले महीने से जैसे ही यात्रा खुलेगी ना तो फिर यहाँ माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है। अब शायद एक दो दिनों में सामान आ सकता है ऋषिकेश से, तो वो भी उतरवाना है, उसको घर तक भी पहुँचाना है। जैसे यात्रा खुलेगी ना उससे 10-15 दिन पहले से जो घोड़े खच्चर हैं वो भी आराम करते हैं, उनको भी रेस्ट दिया जाता है यात्रा से पहले। इस रोड पे लगातार सुधारीकरण का काम जारी है पर यहाँ पे ना आजकल बड़ी खतरनाक कंडीशन हो गई है रोड की। अरे बाप रे, यहाँ देखिए लोड ट्रक के लिए बड़ी दिक्कत है भाई। माँ को जाना है पुराने वाले घर के काम करने के लिए, जो कि काम बहुत जरूरी है भाई। अब आगे से एक लोड गाड़ी आ रही है, पता नहीं कैसे आएगी यहाँ पे, बड़ा खतरनाक सा हो रखा है माहौल। गाड़ी के लिए भी खतरा और जो भी लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी खतरा। और मुझे लगता है ना कि आने वाले कुछ सालों में जिस हिसाब से यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि यहाँ डबल कटिंग जरूर से हो जाएगी रोड की। आजकल गाँव में है खेती बाड़ी का टाइम, मतलब कि यात्रा से पहले सभी लोग अपने खेती बाड़ी का काम निपटा देते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है तो जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको अच्छे से धो के संभाल के रखना पड़ेगा, वो सीधे अगले सीजन में खुलेंगे अब। बाकी आज दूसरी वाली दीवार पे चारा लगाया जा रहा है जिससे कि इधर साइड दीवार पे चिनाई कर सकें। और धीरे धीरे यहाँ पे ना ईंटें बहुत कम होने लगी हैं, मतलब कि बस अब 1000 ईंटें भी मुश्किल होंगी। चलो जी, पप्पा जी भी आ गए हैं घर को। बाकी अब ट्रक वाले भाई को ऑर्डर दे दिया है पूरे सामान का, एक दो दिनों में वो भी पहुंच जाएगा। लग रहा है ना यहाँ पे इतना ज्यादा सामान है, पता नहीं कहाँ गया, पूरा लग गया भाई। ईंटों का बड़ा सा ढेर था जो कि पूरी दीवारों पे लग गया, लगना भी था भाई। पूरी जो दीवारें हैं ना वो 9 इंच की हैं। वैसे ऑप्शन तो था कि बीच की दीवारों को सिंगल ईंटों की चिनाई में करें 4.5 इंच की, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा मजबूती में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो सारी दीवारें 9-9 इंच की रखी हैं। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना तो ऊपर जो चोटियां हैं उनमें से बर्फ भी पिघलने लगी है धीरे धीरे। घर के ठीक सामने का जो ये पहाड़ है ना, यहाँ पे देखिए खूब सारी बर्फबारी हुई थी जो कि धीरे धीरे पिघल चुकी है, और उस पहाड़ पे भी हमें चढ़ने को जाना है एक बारी। यहाँ पे ईंटों पे है बिच्छुगा कंडाली जिसको बोलते हैं, तो मिस्त्री को खा लिया कंडाली ने बल। नीचे मुनसुना मार्केट में ना अभी एक गाड़ी आई है प्रचार वाली। अब तो जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक ऐसे ही गाँव में गाड़ियां घूमती रहती हैं, जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन हमारे गाँव का ऐसा है कि हमारे गाँव तक रोड नहीं आती है या काम लगातार जारी नहीं रहता है तो गाँव वाले बल वोट नहीं देंगे बल। देखते हैं क्या होता है बल। गर्मी हो सर्दी हो चाय तो जरूरी है भाई पहाड़ियों को। पिछली बार जब घर का काम लगा हुआ था ना तो ये वाला काम मैंने भी बहुत करा है, मतलब कि मसाला देने का, मतलब कि हेल्पर का काम, जो कि बड़ा मुश्किल सा रहता है भाई यहाँ से मसाला वहाँ तक देना। उस टाइम हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी थी जो नहीं कर पाए थे, इस टाइम वो सारी चीजें पूरी कर दी, जैसे सीढ़ी वगैरह। देखते हैं इस समय अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने ना घर के पास में एक पेड़ पे पीवीसी पाइप रखे थे पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे, लेकिन उस पे कोई भी पक्षी नहीं आए घोंसला बनाने के लिए। पास में एक पठाली वाला घर है जिसपे कि जो घनेड़ू पक्षी है ना उसने वहाँ पे घोंसला बना दिया है, तो अच्छी बात है, उनके रहने की जगह तो मिली उनको कम से कम। अब आजकल सुबह वाली स्कूल लगी है तो स्कूली बच्चों की 12-1 बजे तक छुट्टी हो जाती है। बैक साइड की वॉल भी लगभग 7 फीट तक जाने ही वाली है, उसके ऊपर दूरबीन पड़ेगा। अब लंच का टाइम भी हो चुका है तो एक बार सभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, हम भी निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर की ओर। वैसे सबसे बढ़िया रहता अगर हम यहीं पे लंच बनाते, लेकिन माँ पुराने वाले घर पे अकेले हैं तो वहाँ पे लंच नहीं बनाती हैं,
तो फिर हमें जाना ही होता है। धीरे धीरे घर का स्ट्रक्चर ऊपर को बढ़ते जा रहा है और कुछ समय में हमें लेंटर के लिए शटरिंग का सामान भी ले आना है। लेंटर लिंटल बोलते हैं, पर हमारे यहाँ गढ़वाली में हम लेंटर ही बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाई देता है अपना पूरा घर, जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसे होने वाला है कुछ टाइम में। ऊपर से काम हो जाएगा ना, तब बढ़िया लगने वाला है। तो सुबह यहाँ पे रोड खराब थी, अभी काफी सही कर दी गई है, तो अच्छी बात है। वही रोड पे काम लगातार जारी है और ठीक सामने पे की इंडिकेशन बोर्ड भी लग गया है कि मतलब कि यहाँ से ऊपर गिरिया की रोड जारी है। आजकल यहाँ सड़कों पे अच्छे से काम किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है ना, थोड़ा काम जरूरी है। लगना तो चाहिए कि कुछ काम हुआ है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से तो देखते आ रहे हैं रोड की कंडीशन तो बुरी है यहाँ। बाकी इस वाले घर पे आने का तो अलग ही सुकून रहता है, चारों ओर सिर्फ मियावी पक्षी की आवाज आ रही है यहाँ पे। और आज तो माँ ने खाना यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे में बना रखा है। कभी कभी लकड़ी वाला चूल्हा भी जला ही लेते हैं भाई, वैसे बहुत कम बनाते हैं लकड़ी वाले चूल्हे में। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं और लंच करने के बाद ऐसी नींद आ रही है आजकल की क्या ही बोलें भाई। अभी थोड़ा माँ के साथ गौशाला की ओर चलते हैं, क्योंकि आज ना हमारे खेतों में सुअरों ने कमाल करके रखा हुआ है, देखते हैं कितना नुकसान करा है। आजकल धारे के आसपास भी देखिए पूरी हरियाली छाने लगी है चारों ओर, और साथ यहाँ बसने की जो झाड़ियाँ है ना उन पे भी कई सारे फूल खिले हुए हैं, जो कि बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई ऐसे में भी। और धारे के पास में जो हमारे खेत है ना, यहाँ देखिए आज सुअरों ने पूरा नुकसान कर दिया। यहाँ पूरी बीज फसल में गए सुअर और सारा कुछ तबाह कर दिया। यहाँ माने ना सुअरों से बचने के लिए ऐसे बाड़ भी करी थी, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, ये देखिए। लेकिन इतने से सुअर कहाँ मानने वाले थे, पूरा नुकसान करके छोड़ दिया ऐसे ही। यही है अब सुअरों का आतंक ज्यादा है, पहले इतना आतंक नहीं था सुअरों का। माँ कुछ और पुरानी धोतियां ले आई है यहाँ लगाने के लिए। सोचा नहीं था कि हमारा ऐसा नुकसान होगा, पूरे खेत को सुअरों ने बर्बाद करके रख दिया। अब यहाँ पे अच्छे से जुगाड़ करके बाड़ करनी पड़ेगी, नहीं तो जितनी मेहनत करी है ना उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ का काम तो माँ और पापा करेंगे, मुझे जाना है नए वाले घर पे, वहाँ पे काम देखने और चाय वगैरह बनाने के लिए। हाँ चल भी आ गई, सो के हैं। सुअर को देखने के लिए। सुअर को देखने यहाँ पूरा नुकसान हो गया, अब कल कहाँ चल लूंगा, खेत में जाएगा वो। कल हाँ चल की वीडियो आएगी, नुकसान हो गया। खैर सुअर का भरोसा नहीं, क्योंकि आसपास ना बहुत घना सा जंगल है, तो सुअर तो आसानी से दिखते हैं यहाँ। अरे इतनी बार से कुछ नहीं होने वाला है, सुअर तो कहीं से भी घुस सकता है भाई। ये देखिए यहाँ से छलांग मार रखी है सुअर ने नीचे के खेत में, वहाँ पूरे जैसे गुड़मनी खेली होगी भाई। बाकी गर्मी बढ़ने के साथ साथ ना यहाँ पे इसूल की झाड़ी पे इसूल भी धीरे धीरे खुलने लगी है, और आसपास इतने प्यारे से आजकल फूल खिले हैं, तो यहाँ पे ना बैठने का तो मजा ही कुछ अलग है भाई। हर जगह कुछ न कुछ नए नए फूल दिखाई दे रहे हैं, और जो मधुमक्खियां हैं फूलों का आनंद ले रही हैं मस्त मजे से। घर के आसपास देखिए निनेरा भी शोर करने लग गया है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, तो ये निनेरे इतना शोर करते हैं कि दिन में सोना भी मुश्किल होता है और यहाँ पे ब्लॉग बनाना भी मुश्किल। ऐसा जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड लग चुके हैं, मतलब कि यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड जोन है यहाँ पे। शाम के 5 बज चुके हैं और आजकल अभी तक हमारे गांव में धूप है अच्छी वाली, मतलब कि दिन इतने बड़े हो चुके हैं, सर्दियों में 2:30 बजे ही धूप चले जाती है। तो यहां पे भी इतना काम हो चुका है, अब इस साइड वाली दीवार का काम जारी है। बैक साइड की जो भी कमरे की वॉल है ना वो पूरी दे दी गई है। इनके ठेकेदार को यहाँ पे आना भी नहीं पड़ता है, डेली मेरी वीडियो देख के अपडेट मिलता रहता है काम का। अब शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है, तो एक बार मिस्त्रियों के लिए मस्त से चाय बना देते हैं। ऊपर की चिनाई का काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है आधे से ऊपर चिनाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, हमारे यहाँ इसको चारू बोलते हैं, जो कि ऐसे पाइप वगैरह से बन जाता है। अब जैसे जैसे चिनाई ऊपर को जा रही है लग रहा है कमरे का स्ट्रक्चर बनता हुआ। थोड़ी देर में बस सनसेट भी होने वाला है सामने की पहाड़ियों से भी, बस अब थोड़ा सा गांव के आसपास के नज़ारे एंजॉय करते हैं।
हमारे गांव के ऊपर है घना सा जंगल बांझ बरांस का, जहां के आजकल खूब सारा मोलियार आया हुआ है। धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रहा है मोलियार, और गांव के सबसे ऊपर जंगल के पास में ही कई लोगों के घर हैं, गौशालाएं हैं, लोगों ने वहां भी खेती करी रहती है। गांव के छोटे बच्चे तो खुश हो जाते हैं ड्रोन को देख के। मुझे भी बचपन में ना जो रिमोट कंट्रोल वाले हेलीकॉप्टर थे उनको उड़ाने का बड़ा शौक रहता था, तो अपने पास तो था नहीं वो खिलौना, तो कई बार मोटर को बोतल पे बांध के उड़ाने की कोशिश करता था। उड़ता ही नहीं था भाई, ये सोचता था कि उड़ता कैसे होगा हेलीकॉप्टर। पिछली बार भी जब मैंने घर बनाने की वीडियो बनाई थी तो बहुत लोग उसके साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पूरी जर्नी देखी घर बनने की। इस बारी तो हमने पूरा काम स्टार्टिंग से आपको दिखाया है, और जिस दिन यहाँ पे काम कम्प्लीट होगा ना वो तो अलग ही दिन रहेगा भाई, क्या ही बोले। बाकी अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, कमरों की चिनाई तो आधी कम्प्लीट हुई, लेकिन अभी बीच की वॉल की चिनाई कम्प्लीट करनी बाकी है, जो कि कल हो जाएगी शायद। और बैक साइड की वॉल जो वॉशरूम की है वो भी बाद में हो जाएंगी। आज तो बाहर अंधेरा हो गया, मिस्त्री लोग लगे हैं अभी तक काम पे। कभी कभी हो जाता है, मसाला पूरा करना जरूरी रहता है भाई। बाकी आज पुराने वाले घर के पास के खेतों में सुअरों ने बड़ा नुकसान किया, माँ पापा ने वहाँ पे बाढ़ करी बोला, अब फिर से आने लगे थे सुअर। हम गरीब थे, नीचे से 6-7 लगे थे। मतलब कि अंधेरा होने का इंतजार भी नहीं कर रहे भाई, क्या ही बोले। बाकी अभी माँ आई है काम वगैरह देखने के लिए, कैसा हो रहा क्या हो रहा। काम तो अभी बहुत सारे हैं जो कि धीरे धीरे होते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।